कुंटल चावल का प्राइस 1900 रुपये है, तो 8 कुंटल 71 किलो का प्राइस कितना होगा? जी हाँ फ्रेंड्स, अक्सर हम मार्केट में जाते हैं, वहां पर हमें इस तरह से कोई भी सामान खरीदना होता है, तो वहां पर हमें एक भाव बताया जाता है कि इतने रुपए कुंटल है या जो भी भाव है। इसके बाद हमें क्या होता है, यहाँ पर देखिए जितना भी वस्तु होता है तौल, ठीक है, उसके हिसाब से हमें पैसे पैड करने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 8 कुंटल और 71 किलो है। तो अब देखिए, 1 कुंटल का दाम यहाँ पर बताया गया है, तो अगर पूरा पूरा ये कुंटल अगर है तब तो हम इसका गुणा कर देंगे, हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये 71 किलो अलग से आया हुआ है और यहाँ पर थोड़ा सा हिसाब करने में कुछ लोगों को समस्या होती है। तो आज के इस वीडियो में ये समस्या खत्म होने वाली है और आपका इस तरह का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये तो कुंटल में है, अगर मान लीजिए, चलिए मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन एक लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर इसको 1 कर ले रहे हैं और ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। मान लेते हैं कि केजी का दाम आपको पता है कुछ भी, ठीक है, चलिए मान लेते हैं 120 रुपये 1 केजी का प्राइस है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपको दे वस्तु है 2 केजी 477 ग्राम। अब यहाँ पर भी आपको वही समस्या फेस करनी है कि इसका प्राइस क्या होगा, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं सॉल्व। वीडियो बहुत ही खास होने वाली है फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको जरूर इसमें कुछ ना कुछ नई बात पता चलेगी और आप हिसाब किताब में और पारंगत हो सकेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे अगर कुंटल और यहाँ पर देखिए जो केजी है, तो इसका आपस में क्या रिलेशन होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपका केजी है और यहाँ पर ग्राम है, तो देखिए केजी ग्राम का आपको रिलेशन पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए जो कुछ यूज होगा वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर 1 कुंटल में होता है 100 केजी, 1 कुंटल में कितना होता है 100 केजी, ठीक है, ये हम लोगों को जानना जरूरी है। और दूसरा जो है, 1 केजी में होता है 1000 ग्राम, क्या होता है 1000 ग्राम, इसको भी हम लोगों को जानना जरूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग दोनों तरीका देखेंगे, हम नॉर्मल तरीका भी देखेंगे कि नॉर्मल तरीके से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा हम लोग देखेंगे कैलकुलेटर ट्रिक की हम कैलकुलेटर से कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले नॉर्मल तरीका देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसको समझ लीजिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए इन्होंने बताया है कि 1 कुंटल का जो दाम है वो कितना है, उसकी प्राइस है 1900 रुपये। तो देखिए 1 कुंटल में प्राइस कितनी है, 1 कुंटल में प्राइस है 1900 रुपये, ठीक है, ये है। अब देखिए होता क्या है, 1 कुंटल में होता है 100 केजी, 1 कुंटल में कितना होता है, अगर कहीं 100 केजी की बात की जा रही है तो उसी को 1 कुंटल बोला जाता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हमें किलो का दाम आसानी से पता चल जाएगा। देखिए 00 से हम 00 क्या कर दे रहे हैं, कट कर दे रहे हैं, तो इससे हमें यहाँ पर 1 केजी का दाम आसानी से पता चल गया कितना, 19 रुपये, ठीक। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका आपको मिल गया कि अगर 00 पीछे लगा हुआ है तो 00 सिर्फ हटा देंगे और आपको केजी का भाव जो है वो पता हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके मन में उठ रहा होगा कि ठीक है 00 है तब तो हम लोगों ने कट कर लिया, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से है, जैसे मान लीजिए कि 1275, ऐसा मान लीजिए 1 कुंटल का जो दाम है वो ये है, अब क्या करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हालत में केजी का दाम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको पीछे से दशमलव लगाना है 2 अंक पर,
और आपको केजी का दाम मिल जाएगा। तो देखिए यहां पर 1275 हम लोगों ने लिख लिया। अब यहां पर देखिए दो अंक पर जब पीछे से दशमलव हम लगा देंगे और ये रुपए लिखेंगे तो ये हो जाएगा 12 रुपए और 75 पैसे। तो इस तरह से कोई भी आपका क्वेश्चन हो, चाहे 00 वाला हो तब तो बहुत आसान है, 0 हटाकर हम केजी का दाम पता लगा सकते हैं, और अगर ये पूरा पूरा अंक है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस पीछे से दो अंक पर दशमलव लगा देना है और केजी का भाव आपको पता चल जाएगा। आगे वाला रुपए होता है, ध्यान रखना होगा, और पीछे वाला पैसे होता है। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग निकालना चाहें तो देखिए यहां पर देखिए कैसे निकलेगा। तो देखिए चलिए इसको हम रेज कर दे रहे हैं यहां पर। अब देखिए यहां पर है क्या, यहां पर जो हमें सवाल में दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है 8 कुंटल और 71 किलो यानी कि केजी, ठीक है। तो यहां पर हम दोनों ही हिसाब जोड़ेंगे। तो देखिए 1 कुंटल का 1900 रुपए है, ठीक है। तो 8 कुंटल का क्या होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1900 में इसका हमें 8 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 1 कुंटल का 1900 तो 2 कुंटल का 1900 दुना 3800, ऐसे ही 3 कुंटल का 1900 दुना 5700, ऐसे ही टोटल 8 कुंटल है। तो इसका जब हम 8 गुना करेंगे तो आइए गुणा कर लेते हैं, 8 का 0 में 0, 8 का 0 में 0, 8 9 72 का 2 हासिल लगा 7, और 8 का 8 और 7 15। तो देखिए ये हो जा रहा है 15200। अब यहाँ पर देखिए 71 किलो है, तो चूंकि हम लोग जान चुके हैं कि 1 किलो का जो रेट है वो है 19 रुपए, ठीक है, कितना है 19 रुपए। तो हमें 71 किलो के लिए क्या करना पड़ेगा, 71 में 19 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 9 9 9 7 63, और 1 का करेंगे तब तो वही आएगा, इसको हम जब जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 9, यहाँ 3 और 1 4, और यहाँ 7 और 6 13, 1349। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 8 कुंटल का कितना हो जाएगा 15200, यहाँ पर किलो का कितना हो जाएगा 1349 रुपए, और हम इन दोनों को प्लस कर देंगे यानी कि जोड़ देंगे। तो देखिए 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 1, ठीक है। और यहाँ पर ये हम लोगों का आ चुका है कितना, तो देखिए ये टोटल जो 8 कुंटल का और 71 किलो का मिला के जो टोटल आया है वो टोटल कितना है, 16549। इस तरह से ये हमारा नॉर्मल तरीके से आ चुका है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये तो हो गया नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पर हम कैलकुलेटर ट्रिक देखेंगे, और उस कैलकुलेटर ट्रिक की मदद से हम लोग फटाफट चुटकियों में फ्रेंड्स हम अपना आंसर निकालने वाले हैं। तो कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 कुंटल में कितने केजी होते हैं, 100, ठीक है, और यहाँ पर 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो अब देखिए यहीं पर हमारा सारा कैलकुलेटर का फैक्ट छिपा हुआ है फ्रेंड्स, और इसको आप ध्यान से गौर से देखिए। देखिए यहाँ पर 1 कुंटल में होता है 100 केजी, ठीक है। तो आप समझिए, देखिए इसको लिखने का जो फॉर्मेट होगा कैलकुलेटर में वो कैसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा, कैसा, देखिए फर्स्ट मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ये। अब इसमें देखिए जो हमारा फॉर्मेट होगा वो कुछ ऐसा होगा कि अगर मान लीजिए, देखिए यहां पर मैं 3 पार्ट इसको करना चाह रहा हूं, ठीक है। यहां पर फ्रेंड्स हम दशमलव लगाएंगे, यहां पर हम दशमलव लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहां 00 है, तो समझिए कि जो केजी वाला पार्ट होगा उसको हम लिखेंगे दशमलव के बाद यहाँ पर और यहाँ पर, और जो कुंटल वाला पार्ट होगा उसको लिखेंगे दशमलव के आगे, ठीक है। चाहे 1 कुंटल, चाहे 2 कुंटल, चाहे 20, 50, 100 कुंटल हो, जब भी हमारा फॉर्मेट होगा दशमलव के आगे होगा कुंटल वाला और दशमलव के पीछे होगा केजी वाला। क्यों?
क्योंकि देखिए एक कुंटल में 100 केजी होते हैं, तो आप इसको ट्रिक की तरह बैठा सकते हैं। फैक्ट यही है कि अगर एक कुंटल में 100 केजी है तो 100 लिखने में देखिए 2 जीरो है, तो आपको समझना है कि अगर आपको कुंटल के साथ अगर केजी आ जा रहा है तो वो दशमलव के बाद लिखेंगे आप, और उसके पहले कुंटल वाला जो पूरा पूरा है वो लिखेंगे। अब देखिए इसी से आप सिमिलरिटी समानता मिला सकते हैं कि जब इसका ये फॉर्मेट होगा तो नीचे वाले का क्या फॉर्मेट होगा। आप समझ रहे होंगे लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 केजी में 1000 ग्राम है जिसमें कि 3 जीरो हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव के बाद हमें 3 अंक में ग्राम लिखना है और दशमलव के पहले किलोग्राम यानी कि केजी। तो चलिए मैं यहाँ पे इसका लिखने का फॉर्मेट बना दे रहा हूँ कैलकुलेटर में। ठीक, तो देखिए यहाँ पर दशमलव यहाँ पर लगेगा, इधर होगा ग्राम और इधर होगा केजी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 3 अंक हमें ग्राम लिखना है और दशमलव के पहले केजी लिखना है। तो इस तरह से यही फॉर्मेट है कैलकुलेटर एंट्री का। और कैलकुलेटर में तो कुछ भी नहीं करना होता है, जब भी हमें मूल्य निकालना होता है या प्राइस निकालना होता है किसी भी चीज़ का, वस्तु का, तो हम क्या करते हैं, हम भाव एंटर करते हैं, भाव के जो रुपए होते हैं हम भाव के रुपए एंटर करते हैं और इसमें हम मात्रा से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, मात्रा से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसकी जो यूनिट होगी और इसकी जो यूनिट होगी वो दोनों सेम होगी यानी कि समान होगी। अब मेरा कहने का मतलब क्या है यहाँ पर आप समझिए इस बात को। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए अगर हमें कुंटल का भाव बताया गया है तो यहाँ कुंटल का भाव एंटर करेंगे तो ये मात्रा जो है इसको भी हमें यहाँ कुंटल में ही करना है। ठीक है, किसमें करना है, कुंटल में करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए हम एंटर कर रहे हैं, प्राइस हमें निकालना है तो भाव कितना है, 1900 रुपये कुंटल है, तो यहाँ पर हम 1900 रुपये एंटर कर दे रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ गुणा लगाएंगे। अब देखिए ये मात्रा जो है इसको भी हमें यहाँ पर कुंटल में ही यहाँ पर रखना है। ठीक, तो ये जो मैंने फॉर्मेट आपको लिखने का बताया कि ऐसे लिखा जाएगा तो ये पूरा कुंटल में ही हो जाता है, यानी जिस भी यूनिट से हमारा ये कुंटल बना है, जैसे देखिए 100 केजी से मिलाकर एक कुंटल बना है, तो अब ये दशमलव लगाने से ये पूरा फॉर्मेट जो होता है, चाहे केजी में है चाहे कुंटल में है, पूरा कुंटल में चेंज हो जाता है। तो ये जो पूरा आएगा ये कुंटल ही होगा और ये क्या होगा, केजी होगा, यानी दशमलव के बाद ग्राम है तो वो भी केजी में शामिल हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, तो है कितना, 8 कुंटल 71 किलो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 दशमलव, क्योंकि देखिए दशमलव के आगे कुंटल होगा, और यहाँ लिखेंगे 71 यानी कि 7 और 1। जैसे ही हम एंटर करेंगे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 16549, और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हम लोगों का आया था 16549। तो देखिए नॉर्मल तरीके से इतना कैलकुलेशन करना पड़ा, लेकिन कैलकुलेटर एंट्री से खाली हम एंट्री समझ लें कि कैसे एंटर करना है, फटाफट से 2 एंट्री 3 एंट्री करने में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों नीचे वाला क्वेश्चन है, इसको भी समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 1 केजी बराबर 120 रुपये। तो हम क्या करेंगे, हम इस जानकारी से एक छोटा सा टेबल बना लेंगे। तो देखिए 1 केजी में जैसा कि हम लोगों ने वहाँ कॉर्नर पर देखा 1000 ग्राम होते हैं, क्या होते हैं, 1000 ग्राम हो गए 120 रुपये के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम दोनों तरफ पीछे से एक एक अंक पर दशमलव लगाते जाएंगे, तो दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पर एक अंक पर यहाँ पीछे से हम एक अंक पर यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 100.0 ग्राम और यहाँ हो जाएगा 12.0 रुपये। तो दशमलव के बाद जीरो का मतलब नहीं होता, तो मतलब हम इसको मिटा दे रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर ये 100 ग्राम हो गए 12 रुपए के। फिर से हम क्या करेंगे, फिर से दशमलव एक अंक यहाँ बीच में लाकर लगा देंगे तो ये हो जाएंगे 10
ग्राम और यहाँ पर हो जाएंगे 1.2। ठीक, तो जीरो अब लगा दीजिए क्योंकि रुपए पैसे में हो चुका है, 1.20 रुपए, और यहाँ पर 1 ग्राम का होगा, ये दशमलव फिर से आगे खिसकाएगा और ये हो जाएगा 12.12 रुपए, या फिर आप कहना चाहें तो 12 पैसे कह सकते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान हो गया, 1000 ग्राम 120 रुपए का, 100 ग्राम हो गया 12 रुपए का, 10 ग्राम हो गया दशमलव और अंदर चलाया 1.20 रुपए का, और 1 ग्राम हो गया 12 पैसे का। अब देखिए 2 केजी है और क्या है 477 ग्राम है। तो देखिए 1 केजी का अगर 120 है तो 2 केजी का इसी का डबल दुगुना कर देंगे तो 120 दुना तो 12 दुना 24 और यहाँ पर जीरो हम लिख लेंगे। अब देखिए चूंकि ये ग्राम में है तो ये दशमलव में आ सकता है, तो यहाँ पर हम 0.00 रुपए करके लिख ले रहे हैं कि अगर पैसे में भी आएगा तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब हमारा जो है 477 ग्राम है, क्या है हमारा है 477 ग्राम। ठीक है, इसकी प्राइस हमको निकालनी है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, तो अब हम इसी टेबल का सहारा ले लेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कि देखिए ये 477 कैसे बना हुआ है, तो चलिए इसको तोड़ लेते हैं, इसको इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो देखिए 477 में 4 पहले है तो 400 ग्राम, अब 77 है तो 77 कैसे बना है 70 ग्राम और 7 ग्राम, तो ये हो गए हमारे पूरे ग्राम। ठीक है, अब इसका हम प्राइस अलग अलग अपने टेबल से फटाफट निकालेंगे और जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो ये 477 ग्राम हो जाएगा। अब इसके रुपए भी देखिए यहाँ पर आ जाएंगे हम लोगों को रुपए, तो देखिए 400 ग्राम 100 ग्राम है 12 रुपए का, तो 400 ग्राम कितने का होगा तो 12 चौका 48 रुपए का। अब देखिए 10 ग्राम कितने का है 1.20 रुपए का, तो हमें 70 ग्राम चाहिए, यानी इसी का 7 गुना। तो देखिए 10 × 70 हो गया 70 ग्राम, तो अब देखिए 12 है ना और 2 अंक पर दशमलव जीरो लगा हुआ है, तो कोई बात नहीं है 12 × 7 = 84 जीरो लगा है तो जीरो लगा देंगे 2 अंक पर दशमलव। तो देखिए 8 रुपए 40 पैसे का हो गया 70 ग्राम। अब जब 1 ग्राम है 12 पैसे के तो 7 ग्राम होंगे 12 × 7 = 84। ठीक है, ये देखिए दशमलव के पीछे लिखा है, हमने भी दशमलव के पीछे लिख दिया। अब हम इसको ऐड करेंगे तो देखिए ये 4 हो गए, ये हो जाएंगे 8 और 4 = 12, यहाँ पर 8 × 8 = 16 = 17 और यहाँ 4 और 1 = 5, 57 रुपए 24 पैसे के हो जाएंगे 477 ग्राम। तो अब हम इसको यहाँ पर लिख ले रहे हैं 57 रुपए 24 पैसे। ठीक है, जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे वैसे ही 2 केजी 477 ग्राम की जो ग्राम की जो प्राइस है वो हमको मिल जाएगी। तो देखिए 4 में जीरो जोड़ेंगे, 4 2 और 0 2 दशमलव के नीचे पूरा दशमलव हो गया, 7 0 7, 4 5 9 और यहाँ पर 2। तो देखा आपने 297 रुपए 24 पैसे में हमें मिलेगा 2 केजी 477 ग्राम। तो ये देखा आपने नॉर्मल तरीका हम लोगों ने देख लिया कि कैसे हम अलग अलग अपने दिमाग में कैलकुलेशन करेंगे और फिर उसको ऐड करके यहाँ पर, तो थोड़ा सा आपको ये जटिल लग रहा होगा। अब आइए हम लोग कैलकुलेटर देखते हैं कि कैसे फटाफट 3 एंट्री में मात्र हम अपना तुरंत आंसर निकाल लेंगे। ठीक, फटाफट से कैलकुलेटर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऊपर अगर आपने कैलकुलेटर एंट्री अच्छे से समझा था तो नीचे भी आप कैलकुलेटर जो ट्रिक है वो आप समझ रहे होंगे कि क्या एंट्री करना है। तो देखिए हमको निकालनी है प्राइस। ठीक है, क्या निकालनी है प्राइस, और प्राइस किसकी निकालनी है ये देख रहे हैं, इसी की प्राइस हमको निकालनी है। तो जैसा कि हम लोगों ने जाना कि भाव में मात्रा का गुणा करते हैं तो हमें प्राइस मिलता है, लेकिन दोनों का यूनिट सेम रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर तो कुंटल में भाव दिया था तो हम लोगों ने दोनों को कुंटल में एंटर किया और हमें रिजल्ट हमारा मिल गया जो कि मैच भी कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केजी है और यहाँ पर ग्राम है, तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर भी करेंगे प्राइस निकालने के लिए। देखिए हमारा 1 केजी कितने का है 120 रुपए का, तो देखिए भाव के रुपए यानी केजी का भाव है 120, तो 120 एंटर कर लिया। अब यहाँ पर गुना लगाएंगे, अब देखिए यहाँ पर है क्या 2 केजी 477 ग्राम, यही है। तो अब यहाँ पर देखिए जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं पहले ही कि दशमलव के आगे केजी वाला पार्ट रहेगा और दशमलव के पीछे ग्राम वाला पार्ट रहेगा, तो यहाँ पर हम क्या एंटर करेंगे
2 दशमलव, तो देखिए ये केजी हो गया 2 केजी। अब 477 ग्राम है तो इसको हम दशमलव के पीछे एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 297.24। जी हाँ, यही है प्राइस, यानी कि इतना रुपए, इतना पैसे, जो कि यहां पर भी हम लोगों का वही आ रहा था। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स हम किलोग्राम या कुंटल से संबंधित क्वेश्चंस को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों की प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं अच्छे से तो आप दिमाग में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप कैलकुलेटर से फटाफट कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उम्मीदों का प्रभात पर आपको मिलती है। आपके कमेंट पर आधारित प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजफुल वीडियोज जो आपकी लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं और आपके जीवन को काफ़ी सरल बनाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे ही और वीडियोस रेगुलर देखने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब तो कर लिया है लेकिन बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे इसी तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आप रहें हिसाब किताब में सबसे आगे।